ये दिल्ली है, देश की राजधानी। कहते हैं दिल्ली के पास दिल नहीं है, देश को चलाने वाली राजनीति ने इसे बेदिल बना डाला है। लेकिन मयूर विहार के इन छोटे छोटे क्वार्टर्स के बीच अपने मामा के छोटे से घर में रहने वाली सरोजनी बेदिल नहीं है। हौसला इसके भीतर इतना है कि सूरज को मुट्ठियों में भर ले और चांद को अपने तवे पर रखकर फुला दे। मामी जी, मैंने पराठे बना दिए, जैसे ही ठंडे हो जाए तो गोलू के टिफिन में भर दीजिएगा। मामी जी, देर हो रही है, आप प्लीज टिफिन भर दीजिए। मर्जली सुबह भी कितनी जल्दी हो जाती है। गोलू नीचे आओ। गोलू, आज थोड़ा मुंह जल्दी जल्दी चलाना, देर हो गई। थोड़ा मुंह जल्दी और। अरे अरे, जल्दी के चक्कर में ना मेरे बेटे के मुंह की जगह नाक में मत घुसेड़ देना। आराम से खिलाओ, अगर इतनी जल्दी थी तो एक घंटे पहले क्यों नहीं जग गई? मामी, मैं तो 2 घंटे पहले ही उठ गई थी। घर का काम किया, साफ सफाई की, पानी भरा, मामा जी का टिफिन तैयार कर उन्हें भेजा। जल्दी करो बेटा, लेट हो गया। जी मैडम। भैया, एक टिकट नॉर्थ कैंपस, ये लीजिए। मैडम, ये नोट नहीं चलेगा, अच्छा वाला नोट दीजिए। अरे भैया, क्या गलत है इस नोट में? सारे नंबर भी मौजूद है, जाली भी नहीं है, पुराना हो गया है, गंदा दिख रहा है, इसलिए नहीं लेंगे। आपको ये लेना ही पड़ेगा, लीजिए। मैडम, मुझे बहस नहीं करनी है, मैं नहीं लूंगा, आप दूसरा दीजिए प्लीज। अरे भैया, दूसरा नोट नहीं। कंडक्टर साहब, ले लो, ऐसे मना नहीं करते यार, ऐसे मुलायम हाथों से तो फटा नोट भी चल जाएगा। आप जरा यहाँ आएंगे? क्यों? चल। आपके पास 100 रुपए हैं? क्यों? मेरा ये पुराना नोट ले लीजिए मेरे मुलायम हाथों से, और बदले में आपका नया नोट दे दीजिए। दे दे दे। आप जैसे लोग जब सचमुच मदद की जरूरत पड़ती है ना, तब मुंह फेर लेते हैं और लड़की देखी नहीं कि मुफ्त के सहायता केंद्र बन जाते हैं। मदद के लिए शुक्रिया अदा, बैठ जाइए अपनी सीट पर। बैठ जा भाई। ये लीजिए, आज तो ये भाई साहब मिल गए, पर कल यही पुराना नोट दूंगी, और मना किया ना तो आपके खिलाफ शिकायत करूंगी। पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देख के उठा था, पहले चक्कर में ये झंझट। शीशा देखा होगा भैया आपने, वो भी खुद का। टिकट बोल, टिकट बोल। टिकट तो दीजिए। हेलो, अभय, शशांक, मिताली, अंजलि ब्राउन, सरोजनी, सरोजनी, ये टाइम है आपके आने का। सर, वो जब आप खुद समय की पाबंद नहीं है तो आप अपने स्टूडेंट्स को फ्यूचर में क्या सिखाएंगी? कल को आप टीचर बनने जा रही हैं, अभी कम से कम ढंग की स्टूडेंट तो बन जाइए। बीएड का लास्ट मंथ चल रहा है, कैसे हो गई इतनी देर? सर, वो मेरी चप्पल टूट गई थी। सर, इसकी रोज ही ना एक चप्पल टूटती है,
नया क्यों नहीं खरीद लेती सरोजनी? क्योंकि टाटा बिरला के घर की नहीं हूं ना, इसीलिए सोचा कि बीएड करूं और उनका बोझ कम कर दूं, नहीं तो आईएएस की तैयारी कर रही होती। ठीक है, बैठिए। आज हम अनुशासन पर बात करेंगे। चुप नॉनसेंस। हो क्या रहा है यहां? देख नहीं रहे हो क्लास चल रहा है? हाँ अरे सर, क्लास तो यहां पे भी चल रही है सर। उस सुमिंदर के फोन में नई वाली फिल्म आई है सर, बहुत हॉट है। आइए अब भी देखिए सर। क्या बकवास कर रहे हो तुम? कॉलेज है ये, कोई सिनेमा घर नहीं। कौन है ये सुमिंदर? हाँ प्रणाम गुरुदेव। Myself, Suminder. तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये कैसी फिल्म दिखा रहे हो स्टूडेंट्स को? अरे वो वाली फिल्म दिखा रहे हैं सर, जिसे देख के कुछ कुछ होता है। काफी बदतमीज हो तुम। आखिर बनना क्या चाहते हो लाइफ में? प्रधानमंत्री। अब आप ही बताइए, किस कॉलेज में प्रधानमंत्री बनने की क्लास कहाँ होती है? मूर्ख हो तुम, तुम्हें ये भी नहीं पता कि प्रधानमंत्री बनने की पढ़ाई नहीं होती। अरे इसलिए तुम क्लास में जाते हैं सर। तो गुरुदेव कोई रास्ता बताइए पीएम बनने का। तुम्हारे जैसे निकम्मे और बदतमीज से बात करने का मतलब है अपना दिमाग खराब करना। स्टूडेंट्स आप लोग अंदर चलो चलो। ए गुरुदेव, अरे हमें तो ज्ञान दिया नहीं, हमसे ही ज्ञान ले लो। ओ गुरुदेव, अरे यार दिखाना हमें। सारे खिड़कियां और दरवाजे बंद करो, जल्दी से बंद करो। बैठ जाइए आप लोग। सर खिड़की और दरवाजे बंद कर देना समस्या का समाधान नहीं। इससे भले ही हम बाहर के शोर से तो बच जाएंगे, लेकिन बाहर वाला सुधरेगा नहीं। सर हमें तो उनके लिए खिड़की दरवाजे खोल देने चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए, उन्हें सुधारना चाहिए, क्योंकि शिक्षा में तो इतनी ताकत है कि डाकू को भी संत बना दे। तो फिर ये तो बस थोड़े से बिगड़े हुए स्टूडेंट्स हैं सर। सरोजनी कुछ लोग कभी नहीं सुधर सकते। सर जब शेर को पालतू बनाया जा सकता है तो मुझे नहीं लगता कि इंसान को सुधारा नहीं जा सकता। ठीक है, पूरा जीवन पड़ा आपके पास, सुधारते रहिए ऐसे लोगों को, लेकिन मुझे इस वक्त क्लास लेने दी। ओके हाँ, तो स्टूडेंट्स आज हम अनुशासन पर बात करने जा रहे हैं। अरे भगवान का सोचकर लड़कियों को इतना खूबसूरत बना दिया भाई कि दुनिया की हर मिठाई उनके आगे फीकी लगती है। हेलो सुमिंदर भाई। हेलो सुमिंदर भाई। क्या बे लड़कियां छेड़नी है? अब आए हैं तो छेड़ ही लेते हैं। बहुत अच्छे, जरा अपना फोन तो देना। लो, लो जी लो। अरे किसका नंबर ढूंढ रहे हैं भाई? तुम दोनों के बाप का। जरा उन्हें भी तो पता लगे। अरे भाई अरे भाई माफ कर दो भाई, माफ कर दो भाई, गलती हो गई भाई, सॉरी भाई। आगे से क्लास के बाहर दिखाई दिए ना तो तुम दोनों की खैर नहीं है भाई, माफ कर दो। साले सुमिंदर सिंह की कॉपी करेंगे। अरे हमारा क्या है, हम तो शंकर जी हैं, यही बैठे बैठे पूरे संसार का विष पीते हैं। अरे तुम लोग तो अपने बाप का पैसा बर्बाद मत करो कपूतों। सॉरी भाई सॉरी। चलो फूटो यहाँ से, फूटो। हाँ भाई।
क्या हाल है सुमंदर? सलाम, बढ़िया। अरे यार सुमंदर, क्या नया वीडियो आया है मार्केट में, सुबह सुबह अपलोड हुआ है नेट पर, देखा क्या? साला बाजार तक पहुंच गया और हमारी मंडी तक उतरा ही नहीं। अच्छा चलो देखते हैं अभी। अरे यार मोबाइल खाली है, ऐसे डाउनलोड नहीं हो पाएगा। रुको अभी रिफिल कराते हैं। देखो फोन मारते कैसे भन करके पैसा आएगा। कौन है? अरे सुमिंदर बचुआ के नाम जैसी अच्छरिया लग रही है, वो ही होगा। अम्मा जी जरा बोलिए ना उनको। हाँ, ये तो बता गया। हे भगवान, बैंड बाजे की तरह एक ही रंग की साड़ी, हम झट से बदल के आते हैं। जैसे साड़ी बदले से किस्मत बदल जाएगा। काम करे में देह दुखाता है, साड़ी बदले में ना ही। अम्मा फिर आई गवा। दुष्यंत, अरे सुमेंदर बचवा का फोन है। एक मिनट उठा लो। जय हनुमान ज्ञान रूप सागर, जय कपीसती लोक पूजारा। जय हनुमान ज्ञान रूप सागर, जय कपीसती लोक पूजारा। जय हनुमान ज्ञान रूप सागर, जय कपीसती लोक पूजारा। जय बजरंग बली, लाओ 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 लाओ। हेलो हेलो हेलो, अरे दम धरो यार, अभी नेटवर्क में पहुंच रहे हैं हम। हाँ हाँ रुक। दुष्यंतवा के क्या हुआ? अरे कुछ ना हुआ, सुमिंदर बचवा का फोन आ रहा। ओ हाँ, हेलो हेलो, आया हेलो हेलो। अरे इतनी देर में काहे फोन उठाते हैं आप? अब तो इसका भी हजार रुपए हजारा भरना पड़ेगा आपको। ए सुमिंदर, मोहब्बत का ज्यादा नजायज फायदा मत उठाओ। है हम तुम्हारे बाप हैं, बाप से बकाई थी देंगे, एक खूंचा यहीं पे ठीक हो जाओगे। बोल बात का है? बैलेंस खत्म है। बैलेंस खत्म? ये अभी ना कराए थे 10 दिन पहले। अरे 10 दिन पहले खाना भी तो खाए थे ना। अरे लेकिन यार इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? अरे दिल्ली में पढ़ने वाले लड़के के बाप है आप। अरे डाउनलोड करना पड़ता है, ज्ञान की बात है। अच्छा 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 अच्छा, डाउनलोड। ओहो ठीक है ठीक है। तो कितने का फिल करा दे रिफिल? एक काम करिए, इस बार 10,000 का इकट्ठे भरवा दीजिए। 10,000? हार्ट अटैक करवाएगा क्या हमरा? कितना पैसा खाता है तुम्हारा फोन है? अरे इससे कम तो चारा खाती है यहाँ भैंस और घी दूध से पूरा घर भर देती है। अरे दिल्ली का फोन है, प्रतापगढ़ की भैंस नहीं। अभी चुपचाप फोन रिफिल करा दीजिए, वरना हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, उसके जिम्मेदार होंगे आप। और हाँ, अब हम अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगाना चाहते हैं। ठीक है, एकदम सामने बैठे हैं। खोल के का? किताब खोल के बैठे हो? हाँ हाँ भाई भाई। हाँ हाँ, तो पढ़ो 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 बेटा, हम जा रहे हैं अभी करा देंगे। ठीक है प्रणाम। दुष्यंत, कहा कह रहे थे सुमिंदर, हमारे घुटने के बारे में बात हुई कि ना? अरे हमारी खांसी के बारे में पूछ रहा होगा, पिछली बार जब आया था ना तब देखा। ये खांसी ठांसी दर्द बीमारी कफ एसिडिटी यही सब करने गया है वहाँ पे। तुम लोग का बीमारी पहुँचने की पढ़ाई करने गया है?
हमरी बात नहीं करवाए? अरे नहीं, लगा दो दफा 302। बात नहीं करवाए, पहले एक बात बताओ, ये सुमिंदर को का खा के पैदा की हो तुम? है पैसा पानी की तरह पी रहा है, पानी की तरह गट 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 गट, एक एक पैसा पकड़ पकड़ के पहाड़ खड़ा किए हैं और ये पूरा पहाड़ खिसकाने में लगा हुआ है। तो समिंदर को पकड़ के काहे नहीं रखते? मिस्त्री का लोंडा गांव में पढ़ के ग्राम सेवक बन गवा, रुको आपने दिल्ली भेज दिया, न जाने कौन सी पढ़ाई कर रहा हूं। ये देखो अब लंगड़ा भी दीवार फांदने लगा है, हाई जंप करेगा, कौन होता है रे तू बोलने वाला उसको? है हम पैदा किए हैं, सिर्फ हमारा हक है, और दिल्ली में पढ़ाई करता है, उसको खर्चा होता है, है? होता है ना, तुम्हारी तरह हल नहीं जोतता है, फार्मर टाइप की बात कर रहे हो। अपना तो खाना खाके नहीं जाएगा? खाना आके खाएंगे, चलो बड़ा जल्दी है, जल्दी। सुनो कल मिलेंगे, कल आज टाइम नहीं है, नहीं तो बेटा उधर दिल्ली हिला देगा, ठीक है ना? अभी जाइए आप लोग। हाँ ठीक है, चलिए निकलिए बेटा, चल गाड़ी स्टार्ट कर जल्दी। रुक, रोटी खाएगा तू? वो भी हमारे घर में है, ये अन्न का अपमान है। आयत भाई, वो भी पूरा रोटी दे दी थी, चट्टा बेशरम कहीं का, बुढ़िया खिलाई थी, कुछ चल रहा तेरा उससे? है कहाँ है ओ निर्जला? अब कौन सी धरती हिल गई सपूत की? आप आ गए, इतनी जल्दी रिफिल हो गया? नहीं रिफिल नहीं हुआ, हमने सोचा पहले अपना रिफिल कर ले। हम तो पहले ही बोले थे कि खा कर जाइए, खाना निकालो। तुम खा लियो। हम क्या आपसे पहले कभी खाए हैं जो आज खा लें? नहीं, आज खाओगी और हम अपना हाथ से खिलाएंगे। ये क्या है, कुत्ते को रोटी खिला रही थी? घर का अनाज बर्बाद करना चाहती है, पूरा रोटी खिलाई थी कुत्ता को, अभी कुत्ता का खाया हुआ रोटी तुम खा। हम छोड़ देव का, ये कुत्ता का रोटी तुम ही को खिला देंगे, चलो अच्छा रुक जाइए, आपको भी खिलाई देगा। चल भतार काटी, सांस मारी, कल मुई लिखा। देख चल खा, चल चबा। निकल बाहर, निकाला ना लीजिए मैडम, ऐसी कील मारिए कि चप्पल टूटेगी नहीं, टूटेगी तो बताना। लीजिए और जहाज दो, मारे किसी और को।
नीली हो या पीली लग जा छेल छबीली लग जा।